अलैकुम गाइज, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हम सब भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी गाइज, मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ ना, अभी अभी आई हूँ। तो मैं ना अभी मैंने यूनिफॉर्म वगैरह ना चेंज नहीं किया है। मैं ना फौरन नाश्ता करने लगी, मुझे बड़ी भूख लगी थी। तो मैंने मामा से बोला, मामा यूनिफॉर्म बाद में चेंज करूँगी फिर नाश्ता करूँगी। तो जी आ जाए नाश्ते में नान चने, ये देख लें जी नान चने। आज मामा ने मुझे बड़े ज़्यादा चने दिया, सार नान है। तो अभी चाय मेरी बाइड है, अभी मैं ना चाय मामा भी ले आएंगी। तो अभी मैं खाने लगी हूँ, खाना मतलब नाश्ता करने लगी हूँ। तो नाश्ता करके मैं आपको दिखाती हूँ। गाइज मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया, बिल्कुल ना मैं अब फ्री हो गई। कल है जी संडे का दिन, तो मतलब आज मैं थोड़ा रेस्ट वगैरह करूँगी, आनी टेस्ट याद करूँगी, कल करूँगी। तो ना जी आज ना मैं फ्री थी, और ना ये देखे तो मेरे मामा हुड़िया भी ना अभी नहीं गई अकेडमी, आज इसने ले जाना था। मेरे मामा कहती चलो आज दोनों बहनें मिल के सफाई करो। तो ये देखे जी हम बेडशीट बिछा रहे, तो ये स्वीटू आके बैठ गया। अभी हमने बेडशीट बिछाई भी नहीं है और ये फिर भी बैठ ऊपर आके बैठ गया। और ये देख रहे हैं जी हुड़िया से एक कवर नहीं चढ़ रहा तकिए के ऊपर, पुअर लड़की। ये देखें जी नहीं जी, मैंने कहा मैं पहले अपने व्यूअर्स को तो दिखा दूं कि मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया। और गाय जल्दी जल्दी बताएं आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है नहीं किया, नहीं किया तो फौरन कर दो और लाइक भी ठोक दो। ये देखकर जी बोलू साहब साजी के बैठ गए। अभी हमने हल्के बेडशीट बिछाई नहीं है, तो जी अभी जी हम सफाई वगैरह करने लगे हैं। और ये स्वीट बैठे, पर मैं आपको ना अपनी क्यूट प्रिंसेस भी दिखा देती हूँ। वो ना फिलहाल सोई हुई है, पहले ना इसको हमने पिंजरा बाहर रखा था, अब ना हमने अंदर रख दिया। ये देखे जी ये उठ गई है, अब मैंने जैसी कपड़ा उठाया उठ गई है, बड़ा शोर डाल के इसको बंद कर देते। तो जी गाय हमने ना अपनी लिटल प्रिंसेस का ना नाम डिसाइड कर लिया है, हमने ना अपनी प्रिंसेस का नाम डिसाइड कर लिया, ठीक है ना जी। हुआ तो वो मैं आपको आज के ब्लॉग में बता दूंगी। तो ना अभी हर समय मैं गई मैं ट्यूशन, वैसे तो उनके पेपर्स वगैरह हो गए हैं, तो ना उस आप वो ना स्पारा पढ़ने गए हैं। अभी इनका रिजल्ट आएगा फिर आगे ना इनका मतलब होगा, आगे इनको नेक्स्ट क्लासेस में होगा, फिर दोबारा से ट्यूशन कैरी ऑन करेंगे। तो ना मैंने सोचा कि क्यों ना अर्सल मैम बताएं, तो वो अपने मुंह से आपको लिटिल प्रिंसेस का नाम बताएं। भाई अर्सल का गिफ्ट है तो नाम भी अर्सल का ही बताना बनता है। तो जब भी अर्सल मैम ट्यूशन से आएंगे फिर हम आपको अपनी लिटिल प्रिंसेस का ना नाम भी दिखा बताएंगे। और ये देखकर जो हुड़िया ने कवर फाइनली चढ़ा लिया, और स्वीटू उधर ही बैठा हुआ जी। तो अभी ना हम वो ना सफाई वगैरह करने लगे हैं, नहीं अब हम सफाई करने लगे हैं। तो मतलब सफाई वगैरह करके सारा घर साफ वगैरह करके फिर आपको दिखाते हैं। गाइज मैंने ना खाना शाना खाया, सारी सफाई वगैरह की, देखे सारा घर साफ सुथरा कर दिया। आज मेरी मामा ने सारी सफाई हम दोनों बहनों से कराई है यार। और ये देखें जी अर्सल महमद भी ना, और अर्सल महमद भी सुपारा पढ़ के आ गए हैं, मैं भी फारूक हो गई। शाम का टाइम हो गया, आज इनको छुट्टी बड़ी लेट हुई है। तो जी अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने अपनी लिटिल प्रिंसेस का क्या नाम डिसाइड किया। अर्सल निकालें लिटिल प्रिंसेस को, साथ दिखाएं भी ना। क्यों लाइक ही नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं? गाइस जल्दी जल्दी लाइक करें और सब्सक्राइब करें प्लीज, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। चलो दिखा दो गाइस, आप जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो अर्सल दिखाओ, दिखा दो भाई, दिखा दो छेती छेती, लाइक कर दो सब्सक्राइब। और जी ये देखे जी महमत हसीन जी, ये देखे जी, ओए होए लिटिल प्रिंसेस। तो जी अपना इसको लेके बैठे जरा। तो जी अर्सल आपने इसका क्या नाम डिसाइड किया? आपको ये गिफ्ट मिला था तो मैं चाहती हूँ कि ये आपका ही, आप इसका नेम अनाउंस करे। हमारे बिल्ले का तो नाम सीटू है, इसका नाम रखते हैं मुइजा। ये मुइजा MUIZA सो गाइस हमने इसका नाम मुइजा रखने के पीछे कोई मतलब रीजन थी? वैसे हमने ना मतलब हमने ना जो था ना स्वीटू मतलब जो हमारे पास था कि मतलब हमारा प्रिंस है उसका नाम हमने स्वीटू रखा था, लेकिन जो प्रिंसेस है ना इसका नाम हमने रखा है मुइजा। वो पता है हमने क्यों रखा है? जो हमारे प्यारे
नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे ना, उनकी जो कैट थी आप जानते थे, उनको बिल्लियाँ बहुत पसंद थी, वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनको अपने साथ बिठा के खाना वगैरह खिलाते थे। तो उनकी जो कैट का नाम था ना, वो मुईज़ा था, और ये मुईज़ा जो है ना, इसके नेम के मायने है रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल। तो जी हमने ना, हमें इतना बड़ा पसंद था ये शुरू से नाम, क्योंकि ना पसंद हो, क्योंकि ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिल्ली का नाम था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी इसका नाम यही रख दे। तो जी हमने यही नाम डिसाइड किया। देखिए मेरा हाथ चाट रही है, देखो जी, देखिए जी माशाल्लाह बड़ी हो रही है। आपने कमेंट में माशाल्लाह लाजमी लिखना, और आप ये भी बताएं कि आपको ना ये नाम कैसा लगा। आपने लाजमी बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। उम्मीद आप अच्छा तो लगा होगा, भाई ये नाम है ही इतना प्यारा, तो अच्छा क्यों नहीं लगेगा। और जी हमारी प्रिंसेस भी बहुत प्यारी है, और तो जी आज से इसका नाम है मुईज़ा। मुईज़ा कितनी प्यारी है मुईज़ा। अभी इसको ना अपने नाम की पहचान नहीं है, जब जब ये थोड़ा सा हमारे साथ टाइम स्पेंड करेगी ना, तो इसको हमारे ना अपने नाम की पहचान हो जाएगी। ये देखिए जी मुईज़ा बैठ गई है कंबल पे मेहमत की टांगों पे। अभी ये इसको हमने केज के अंदर से बाहर निकाला ना, थोड़ी लेजी लेजी हुई हुई है। वो देखिए जी इसको पकड़ लो स्वीटू, इसको मारे ना पकड़ लो जल्दी जल्दी भाई, स्वीटू बड़ा है ना, तो स्वीटू इसको तांग ना करे, इसलिए हम इस वजह से हमने भाई। आज ना मेरे घर आई हुई है मेरे छोटे मामू की बेटी आई है, मेरी ना नानो लोग ना जा रहे थे शादी पे, तो ये ना जरा छोटी है, तो इसको शादी पे इसलिए ले जाते, कहीं बीमार ना जाए, तो वो लोग ना हम इसको अपने घर ले, हमने कहा हमें दे दो, हम इसका ख्याल वगैरह रख लेंगे। देखे खेल रही है उड़िया, इसको सुलाने की कोशिश कर रही है, पर ये ना फिलहाल अभी खेल रही है। और ये देखिए जी ये अरसल बैठा होगा, अरसल ने उसको कहाँ बैठा लिया, दिखाओ ना जरा, ये देखें जी उसको कंधे पे बिठा लिया, और मेहमत खाना खा रहा है। गाइस प्लीज ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, देखें आपका क्या जाता है। ये देखें जो ज्यादा से ज्यादा ना हमारे चैनल को मतलब सपोर्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए सिर्फ व्लॉग्स बना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे लग रहे होंगे। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ, आप यकीन नहीं कर सकते मेरी इतनी टफ रूटीन है ना, दो मार आ गया सिर्फ मेरे एग्जाम्स में, फिर भी मैं आप लोगों के लिए व्लॉग बना रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि व्लॉग क्यों लेट आते हैं, हम ना क्या कहते हैं इसका नाम रखने में बिजी थी। मुईज़ा मतलब इसका नाम हम डिसाइड कर रहे थे गाइस, व्लॉग इसलिए हमारे डेली नहीं आ पा रहे। मैंने सोचा था मैं डेली व्लॉगिंग करूंगी, पर ना नहीं हो पा रही, अभी मेरी रूटीन बहुत ज्यादा ना टफ है। कॉलेज से आती हूँ, टेस्ट तैयार करती हूँ, रात हो जाती है, फिर उसके बाद सुबह भी जाना था, सारी चीजें बिखरी हुई है। और यार मेरी ज्योमेट्री खुद रख लिया, मेरी चीजें यहाँ पे बिखेर दी। और ये देखे जी मुईज़ा, मुईज़ा कितनी प्यारी लग रही है। गाइस आप कमेंट में बताएं कि आपको इसका नाम क्या, स्वीटू बड़ा ना इसलिए हमने इसको केज में रखा है, कहीं वो इसको मारे ना, ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको केज में रखा था, इसलिए अभी तो लेजी हुई है। ये देखिए जी देखिए इच्छल की शाह बड़ा ही खेलती है, ये बहुत प्यारी है। अच्छा उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, वो बड़ा है ना, वो इस वजह से कुछ नहीं कहेगा। सो गाइज आप जल्दी जल्दी से ना हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें यार। देखें ये देखें जी। सो जी गाइस शाम का टाइम हो चुका है, और ना जी आज खाने में वैसे तो मूली वाले पराठे बने हैं, लेकिन ये मैं मत मूली वाले पराठे नहीं खाता, तो ये ना माश की दाल के साथ रोटी खा रहा है, और अभी ना हम भी खाना खाने लगे हैं। ये देखिए जी अरसल क्या खा रहे हैं, ये मुईज़ा शहजादी, मुईज़ा प्यारी, बहुत प्यारी है। तो जी आज के व्लॉग को करते हैं यही पे एंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होना तो बहुत ज्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। सो जी कल तक के व्लॉग के लिए अल्लाह हाफिज़।